तीन दामाद की सास पार्ट टू। अब तक आपने सुना कि कावेरी जी अपनी तीनों बेटियों ईशा, मोहिनी और सुहाना की शादी तीन घर जमाई लड़कों के साथ करवा देती है। उन्हें लगता है कि ये लड़के शायद घर का कामकाज संभाल लेंगे, लेकिन उनके तीनों घर जमाई बहुत आलसी थे। वो नौकरी भी नहीं करते थे और बाहर का काम भी नहीं। कावेरी जी ने अपनी बेटियों से कहा कि वो प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर अपने पतियों को सबक सिखाए। अब सुनिए आगे। मम्मी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, लेकिन देखिए ना, विवेक का हाल तो वैसा का वैसा ही है। घर में ना सुबह का नाश्ता बनता है और ना खाना। नौकरी पर जाने की बात करूं तो खाने को दौड़ते हैं मुझे। हाँ मम्मी, मैंने भी सुमित को कितनी बार कहा कि अगर नौकरी नहीं करनी तो कोई छोटी सी दुकान ही खोल लो, घर का खर्चा कैसे चलेगा। देखो दोपहर के 12 बजने आए और जनाब अभी तक सो रहे हैं। हाँ मम्मी, ईशा और सुहाना ठीक कहती हैं, अविनाश का भी यही हाल है। जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कहा तो मुझसे कहने लगा, अरे दूसरी लड़कियां तो 9-9 महीने तक नौकरी करती है, बस डिलीवरी के टाइम छुट्टी लेती है। मोहिनी तुम भी नौकरी करो। अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। मम्मी बताओ अब मैं क्या करूँ। हे भगवान, क्या सोचकर घर जमाई दामाद लाई थी मैं कि मेरी बेटियां मेरे पास रहेंगी और खुश रहेंगी, लेकिन इन आलसी दामादों ने तो हमारी जिंदगी को भी प्रॉब्लम में डाल दिया है। मैं तो कहती हूँ मम्मी, हम लोग वापस अपनी जॉब पर जाना शुरू कर देते हैं। बता देते हैं इन लोगों को कि हमने प्रेगनेंसी का बहाना किया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी गलती भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो इन तीनों की आदत और ख़राब हो जाएगी। अरे आज नहीं तो कल कभी तो तुम प्रेग्नेंट होगी, तब वापस यही प्रॉब्लम आएगी, तब क्या करोगी तुम तीनों। हाँ मम्मी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, इन लोगों को तो सुधारना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे, अपने बच्चों के आने की खबर सुनकर भी इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते ये तीनों। अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, तुम तीनों चिंता मत करो, उन तीनों को बुलाओ फिर मैं बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद कावेरी जी अपने तीनों दामादों को सामने बुलाकर अपनी बात कहना शुरू करती हैं। अविनाश, सुमित और विवेक, देखो बेटा, मैं ना तुम तीनों से बड़ा प्यार करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें घर जमाई बनाकर रखा है मैंने। अरे मम्मी जी, सीधे सीधे कहिए ना, क्या बात है, प्यार तो हम भी आपको बहुत करते हैं। अरे मम्मी जी, आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। अरे भई, आपके जैसी सास और कमाने वाली बीवी सबको मिलती है क्या। हाँ मम्मी, विवेक और सुमित ठीक कह रहे हैं, आपकी बेटी से शादी करके मेरी तो जिंदगी ही अच्छी हो गई है। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि तुम तीनों अपने अपने बीवियों से बहुत